हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी की बहुत ज्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया जो हमारा भी इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर हुआ है A346 कोड का, उसकी एनालिसिस वीडियो लेकर आइए। तो दोस्तों, हाजिर है आपका भाई आपके कहे मुताबिक एक बेहतरीन से एनालिसिस वीडियो के साथ में। दोस्तों, जिन भाइयों ने हमारी मास्टर वीडियो देखी होगी उन सभी को पता चल गया होगा कि हमारी मास्टर वीडियो की वैल्यू क्या होती है। मैं आपको चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि भाई पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जिन्होंने वीडियो देखी होगी उनको 100% जो है बेनिफिट मिला होगा। तो दोस्तों, आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो से कितने क्वेश्चन वहां पर देखने को मिले हैं दोस्त। और दोस्त, हमारा जो एनालिसिस है ये होने वाला है आर सीरीज का। और एनालिसिस को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी प्रकार से क्वालिटी कंटेंट मिलता रहता है। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सुम्पिटर के सिद्धांत की आलोचना का आधार क्या है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी वाला, उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है दोस्त। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर सुम्पिटर के अनुसार पूंजीवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी वाला है, पूंजीवाद समाज के संस्थागत ढांचे का विघटन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। रोस्टो के अनुसार परिपक्वता की अवस्था क्या है। ऑप्शन नंबर सी दीर्घकालीन अवस्था है, राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा, सी फॉर चेतक। आगे देखिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अवमूल्यन में होता है। दोस्तों, अवमूल्यन में क्या होता है, निर्यात सस्ते और आयात महंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही और सटीक आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से सहायता मिलती है। दोस्त, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला, उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मुख्य निर्यात नहीं है। देखिए दोस्त, जो हमारा भारत है वो कच्चे तेल का निर्यात नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे देखिए दोस्त, प्रोफेसर जे एस सुम्पिटर के अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक सॉरी दोस्त यह है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस सन में प्रस्तुत हुई। दोस्तों, कराया हुआ क्वेश्चन है मास्टर वीडियो में, तो आपको ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला 1911 बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। दोस्तों, आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। चलिए, रोस्टोव की अवस्थाओं में कौन सी अवस्था सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर बी वाला, चरागाह अवस्था सम्मिलित नहीं है। आगे देखिए दोस्त, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मुख्य आयात नहीं है, चाय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों का विवेचन किसके द्वारा किया गया है। प्रोफेसर टोजिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं को व्यक्ति या देशों के बीच कितने और खरीदने को क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। अगर हम किसी वस्तु खरीदते और बेचते हैं तो क्या कहलाता है, वो व्यापार कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे देखिए, रिकार्डो की दृष्टि में आर्थिक समाज के महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। श्रमिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। प्रबल प्रयास सिद्धांत आधार है, आधारित है, ये किस पर है, बाह्य बचत पर। दोस्त, कराया हुआ क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से है, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे दोस्त, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं क्या है। ऑप्शन नंबर ए कुल राष्ट्रीय आय का बढ़ता हुआ प्रतिशत, राइट आंसर हो जाता है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत आधारित है, ये है आपका मूल्य के श्रम सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार कितने देशों में अर्ध विकसित रहने का प्रमुख कारण कौन माना जाता है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, प्रौद्योगिकी का निम्न दर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, प्रबल प्रयास सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों, मास्टर वीडियो में कराया हुआ क्वेश्चन है, ये है आपका रोडान का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शेष की विशेषता नहीं है। दोस्त, इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला है, उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। संतुलित विकास के पक्ष का तर्क कौन सा नहीं है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए निर्धनता के दुष्कर्म को तोड़ना। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। एक देश का भुगतान और शेष उस देश के निवासियों का विदेशों में किए गए सभी आर्थिक सौदों का क्रमबद्ध लेख या किसने कहा है।
दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी वाला उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए दोस्त, एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्यापार शेष का सही सूत्र क्या है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बी वाला है, दृश्य मदों का आयात, दृश्य मदों का निर्यात, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्थिक विकास है, कराया हुआ क्वेश्चन है मास्टर वीडियो में, आर्थिक विकास क्या है? एक गत्यात्मक विचार है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा गैर प्रशुल्क का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा आयात गैर प्रशुल्क का उद्देश्य नहीं है? इसका भी जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला है। आगे देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी है? कराया हुआ क्वेश्चन है मास्टर वीडियो में, W.A. Lewis की। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लुइस मॉडल की मुख्य समस्या क्या थी? इसका जो राइट आंसर है सी वाला है, श्रम शक्ति का एकत्रीकरण। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे, गरीबी का दुष्चक्र किसके बीच संबंध को बताता है? ऑप्शन नंबर डी वाला उपरोक्त सभी राइट आंसर है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, आजकल हम सभी मॉडलों का निर्माण बनते जा रहे हैं, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? यह कथन प्रोफेसर हैबलर का है, ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे देखिए दोस्त, गैर प्रशुल्क प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक द्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों कराया हुआ क्वेश्चन है, ये किया था बोयके ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखिए, उद्गम वाले देश के आधार पर प्रशुल्क होता है, इसका जो राइट आंसर है दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, आगे बढ़ेंगे दोस्त, द्वैतवाद के कितने प्रमुख सिद्धांत है? कराया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, दो। आगे देखिए दोस्त आगे बढ़ेंगे, आर्थिक विकास की दर शून्य होने का क्या अर्थ है? ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन बी वाला राइट आंसर है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि न होना, ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखिए, प्रशुल्क का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, व्यापार शेष के प्रकार क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला, उपरोक्त सभी राइट आंसर। आगे देखिए दोस्त, निम्नलिखित आर्टिकल किसने लिखा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, राइट आंसर है लुइस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, भुगतान शेष के अंग क्या है? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लुइस के अनुसार पूंजी निर्माण के निर्धारक तत्व हैं, राइट आंसर क्या है? ए और बी दोनों, ऑप्शन सी पूंजी भी है और बैंक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, देखिए दोस्त जो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 हुआ है, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको पता है तो। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, मानवीय पूंजी निर्माण में कौन से तत्व सम्मिलित हैं? दोस्तों राइट आंसर है इसका डी वाला, जो हमारे सभी तत्व हैं ये इसमें सम्मिलित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आगे देखिए, व्यापार की शर्तों का वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर किया जा सकता है? दोस्त इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी वाला है, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे, अर्धविकसित देशों में पूंजी निर्माण किया जाता है, ये किया जाता है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और राइट आंसर। आगे देखिए, व्यापार की शर्तें हो सकती है, ए और बी दोनों, अनुकूल भी हो सकती है और आपका प्रतिकूल भी हो सकती है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, असंतुलित विकास पद्धति के पक्ष में कौन सा तर्क है? राइट आंसर डी वाला, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, व्यापार की शर्तों का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, PX/PM। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी बाधा अल्प विकसित देशों की आर्थिक बाधा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, सामाजिक बाधाएं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, हैबरर के अनुसार बढ़ती लागत दशा के अंतर्गत क्या है? पूर्ण विशिष्टीकरण संभव है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास की मुख्य बाधा क्या है? दोस्त इसका जो हमारा राइट आंसर है उपरोक्त सभी है, क्या है? उपरोक्त सभी डी वाला राइट आंसर है। इतने आपने मैच कर लिए, चलिए ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घ काल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक आय राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, यह कथन किसने कहा है? कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा मास्टर वीडियो में, मायर एवं वाल्डिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्त। चलिए आगे बढ़ेंगे प्यारे दोस्त, निम्न में से कौन सा अर्धविकसित अर्थव्यवस्था का आवश्यक लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व अधिक होना।
चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। प्रशुल्क को संकुचित अर्थ किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया? दोस्तों कराया हुआ क्वेश्चन है प्रोफेसर एलवर्थ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने अल्पविकसित देश को परिभाषित करने के लिए किस मापदंड का सहारा लिया है? कराया हुआ क्वेश्चन है मास्टर वीडियो में, अगर आपने करा होगा ये है आपका बी वाला प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व व्यापार संगठन WTO, ये भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है और मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो पूछा गया है WTO का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्त, इसका कार्य क्या है? कार्य इसके दोनों है, ए और बी दोनों। चलिए दोस्त सी वाला राइट आंसर हो जाता है। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की क्रिया में कम से कम कितने देशों का होना अनिवार्य है? करा हुआ क्वेश्चन है, ये है आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। कम से कम 5 देशों का होना अनिवार्य हो जाता है दोस्त इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुक्त अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त। असंतुलित विकास पद्धति के समर्थक कौन है? हर्ष मैन है। करा हुआ क्वेश्चन है मास्टर वीडियो में, तो दोस्त आप सभी को पता चल ही गया होगा कि हमारी मास्टर वीडियो की वैल्यू क्या होती है। आगे देखिए, लुईस के सिद्धांत की खोज किसने की है? दोस्त इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या है? उपरोक्त सभी। मेरा शायद इसमें पढ़ने में कोई दिक्कत हो गई है। देखिए यह लुईस के सिद्धांत की आलोचना की है। देखिए लुईस के सिद्धांत की आलोचना किसने करी है? सॉरी ये करी है उपरोक्त सभी ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60वां, व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत, ये जो आपका है व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के विपक्ष में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है दोस्त। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्र। निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण नीति नहीं है? देखिए आंसर हो जाएगा इसका डी वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए दोस्त, जैकब वाइनर के अनुसार विकास का मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति आय है। कराया हुआ क्वेश्चन है मास्टर वीडियो का, ए वाला राइट आंसर है दोस्त। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे, ये भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्थापना कब हुई है इसकी? ये मैंने कराया है 1995 में, बी वाला कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत का मुख्य आलोचक निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्री है? कराया हुआ क्वेश्चन है जैकब वाइनर, बी वाला राइट आंसर। आगे देखिए दोस्त, निम्न में से किस नियम के अंतर्गत दो वस्तुओं के विनिमय दर स्थिर रहती है? राइट आंसर है दोस्त इसका ए वाला, लागत स्थिर नियम। आगे देखिए दोस्त, गाट कब समाप्त हुआ? दोस्त कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो गाट समाप्त हुआ था आपका 12 दिसंबर 1995 में। आगे देखिए, बेंजामिन हिगिंस का द्वैतवाद क्या है? तकनीकी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न स्तरीय संतुलन पास सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है नैंसल ने, कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा। आगे देखिए, सबसे अधिक प्रिय राष्ट्र का सिद्धांत किस संगठन से संबंधित है? दोस्त ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है, ये है आपका गाट से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे देखिए, परंपरागत अर्थव्यवस्था का मुख्य व्यवसाय क्या है? कुटीर एवं लघु उद्योग, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर दोस्त। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्त ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है, ए और बी दोनों, यानी कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। आयात कोटा निम्न में से किस प्रकार का निश्चय किया जा सकता है? दोस्त इसका जो राइट आंसर है हमारा, ये है आपका प्रशुल्क कोटा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दोस्तों आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपको कितना फायदा हुआ है और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। गट की स्थापना के समय इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? ये बताया हुआ क्वेश्चन है हमारा, ये है आपकी 23, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। संरक्षण की नीतियां हैं, संरक्षण की नीतियां कौन कौन सी है? दोनों है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, ए और बी दोनों। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75वां, निम्न में से किसके विचारक लिबनीज से मिलते हैं? दोस्त इसका जो राइट आंसर है वो है नैंसल। क्या है? नैंसल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो यार लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमने आपके लिए यहाँ पर बहुत मेहनत करी है, इस बात का आपको भी पता है अगर आप जो है हमारे पुराने छात्र होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कराया हुआ क्वेश्चन है, ये किया है आपका किसने? बूके ने। किसने किया है? बूके ने द्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचना नहीं है? दोस्त राइट आंसर हो जाएगा देश के लिए
लाभदायक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। आगे देखिए मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भुगतान शेष के असंतुलन का आर्थिक कारण नहीं है? कराया हुआ क्वेश्चन है भूकंप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गाट की स्थापना कब हुई? ये भी मैंने कराया है। गाट की स्थापना जनवरी 1948 में हुई थी। आगे देखिए दोस्त, लिबनीज़ सिद्धांत के मुख्य तत्व हैं? ये है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा उपरोक्त सभी वाला, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे देखिए दोस्त, प्रोफेसर जे एस बोयके ने समाज की कितनी विशेषताएं बताई हैं? ये बताई हैं 3 विशेषताएं। कराया हुआ क्वेश्चन है मास्टर वीडियो का। आगे देखिए, बढ़ती लागत दशा के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? मूल बिंदु की ओर अवनत दर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है दोस्त। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस अर्थशास्त्री का संबंध बड़े धक्के के विचार से नहीं है? ये मैंने क्वेश्चन कराया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला लुईस है। आगे देखिए दोस्त, उद्योगों के विविधीकरण का तर्क किसने दिया है? दोस्तों उद्योगों के विविधीकरण का सिद्धांत जो दिया है आपने, तर्क दिया है, ये दिया है अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे देखिए दोस्त, लेखा शेष की अवस्थाएं क्या होती हैं? उपरोक्त सभी होती हैं दोस्त। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे देखिए, संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देश की अर्थव्यवस्था को बचाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखिए मित्र, स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही नहीं है? तर्क नहीं है सॉरी, ये हो जाएगा आपका सी वाला आर्थिक विषमताएं, हमारा करेक्ट और सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्त अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। आगे देखिए, एक तत्वीय और द्वितत्वीय व्यापार की शर्तों की व्याख्या किसने दी है? जेकब वाइनर ने दी है। कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा मास्टर वीडियो में। आगे देखिए, डोमर मॉडल के अनुसार पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए आय में वृद्धि होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। कौन सा हो जाएगा? ए वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्त। आगे देखिए, मार्क्स के अनुसार लाभ निर्भर करता है, ये करता है ए और बी दोनों, यानी कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए मित्र, हेरोड का प्रथम समीकरण का सूत्र क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए है, 1/y s/y बराबर। आगे देखिए दोस्त, प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार लाभ की प्रवृत्ति सदैव होती है, कैसी होती है? घटने की होती है। कराया हुआ क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। न्यूनतम प्रयास थीसिस सिद्धांत किसने दिया है? कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा मास्टर वीडियो में, लिबनीज़ ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे देखिए दोस्त, रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार तत्वों के अंतर के प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर है डी वाला है, उपरोक्त सभी दोस्त। आगे देखिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 95 वे की ओर। संरक्षण के पक्ष में निम्न में से कौन सा गैर आर्थिक तर्क है? इसका जो राइट आंसर है ये है दोस्त आपका मजदूरी तर्क, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे देखिए दोस्त, द स्टडीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है? कराया हुआ क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए रोस्टो, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे देखिए, शिशु उद्योग तर्क को सर्वप्रथम किस सन में प्रस्तुत किया गया? दोस्त कराया हुआ क्वेश्चन है 1871, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बी वाला राइट आंसर। आगे देखिए, रोस्टोव के अनुसार विकास की अंतिम अवस्था क्या है? दोस्त इसका जो राइट आंसर है ये है आपका अत्यधिक उपभोग की अवस्था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे देखिए दोस्त 99वां क्वेश्चन, आर्थिक मॉडल ने निम्न में से किन मान्यताओं पर आधारित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, ए और बी दोनों। चलिए दोस्त आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिकार्डो के मूल्य के श्रम लागत सिद्धांत की मान्यताएं निम्न पर आधारित है? दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे। और आपको कमेंट में ये भी बताना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी आगे करने वाले हैं या आप क्या कोर्स आगे करेंगे। दोस्त अगर आपको इस पर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे ये भी कमेंट किए, मैं आपको स्ट्रेटर्जी वीडियो कि आपको BA फाइनल ईयर के बाद क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास बनती है जिससे कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए और जो आप करना चाहते हैं वो आप जल्दी से हासिल कर पाए। दोस्त आपको कमेंट में अपना स्कोर भी जरूर बताना है कि आपका स्कोर कितना है, और दोस्त आप